आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत सवारा वार्ड नंबर 5 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाज़रीन, इस सरकार ने तकरीबन 60 साल से सरकार जितनी भी आई तो नज़रअंदाज इस इलाके को कर रही है। ये एक बिछड़ा हुआ इलाका, लकड़ी का पुल है, और जहाँ पे जब यहाँ पे भाजपा और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, कलेक्शन सरकार थी यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे एक पुल दिया था इन्होंने, लोहे का पुल। उसने तो तकरीबन आते आते ही देर कर दी, तकरीबन 5-6 साल उसको हो गया आते आते ही। तो आज वो पुल यहाँ पे आया है, एक उसका ट्रस यहाँ पे पार्क की साइड है, पार्क की साइड है, ये भी कम इस पर चढ़ रहा है, तो कुछ 6-6 इंच चढ़ रहा है वो। इन लोगों से हम जाने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहले ही तो ये देर बहुत ही देर कर चुका है ये पुल यहाँ पर आते आते, तो उसके बाद जब ये आया तो क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आने लगी है, इसी पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे एहतजाज किया है यहाँ पे लोगों के। इसी वार्ड नंबर 5 के लोग यहाँ पे, 6 के भी यहाँ पे जमा हैं। ये तो पुल तो आम दरख्वास्त है, यहाँ पे 6-7 पंचायतों का है, तो मगर लिहाजा आज के बारिश की वजह से यहाँ पे लोग नहीं आ सके, मगर फिर भी बड़े लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ये जानने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद हनीफ साहब, इनसे जानेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने कीमती वक़्त निकाल के हमें बातचीत करने का मौका दिया। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पंचायत सवारा वार्ड नंबर 5 गुजर बस्ती में बहुत पहले पुल आया था, वो लटका रहा आज तक। आज हमारा जो पुल है वो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, लकड़ी का पुल आज तक रहा, ये हमने बनाया चंदा कर करके, आज हमें लोहे का पुल आया। लेकिन इसमें भी मुझे जब फ़ोन आया कि हाँ जी हमें यहाँ पे कमी है कि पुल जो है इसका जो एंगल है ये टोटल 6 इंच जो है दीवार पे आ रहा है, मैं यहाँ आया तो मैंने भी देखा पार से भी 6 इंच चढ़ रहा है और इस साइड से भी 6 इंच चढ़ रहा है। तो ये इसका अपना इतना वेट है, इस लोहे का पुल जो होता है इसके एंगल का देखो आप कितना वेट है, तो ये तो अपने वेट से गिर जाएगा। लिहाजा मैंने जब ये सुना, लोगों की पुकार सुनी, तो आया मैं यहाँ पे, मैंने देखा तो यहाँ पे वाकई यही हालात है कि ये 6 इंच वार से और 6 इंच पार से चढ़ रहा है, ये तो अपने वेट से गिर जाएगा। क्या फ़ायदा रहा हमें इस पुल बनाने का, ये तो कल ही नीचे चला जाएगा। जब ये डेंजर एरिया है यहाँ पर, जब यहाँ दरिया आता है तो सतीरें वार पार लगती हैं, तो ये खुद ही हिल के तो नीचे चला जाएगा, डेंजर एरिया है। तो इसी पे मैं गुजारिश करूंगा कि इस पुल को जो है कम से कम 1 मीटर वार और 1 मीटर पार ये डंगे पे आना, इंच कहाँ टिक पाएगा यहाँ, ये तो इन सीखों के पास भी नहीं आ रहा है, ये तो खुद ब खुद अपने वेट से गिर जाएगा, कहीं जहाँ कोई माल मोशी इस पर चलता होगा उससे भी नुकसान होगा, गिर जाएगा। अभी ये 3 फुट जो है पुल दीवार से दूर है, 6 इंच इस पे चढ़ रहा है, क्या पता हो सकता है ज़्यादा भी चढ़ सकता है। इससे आपकी किसी से बात हुई, ठेकेदार से या जैसे किसी से बात हुई है, क्या ये पुल पूरा नहीं है, ये 6 इंच चढ़ रहा है, इससे आपकी कोई बात हुई किसी से? देखो, हमने जब आया मैं सुबह, मैंने देखा इसको, हमने नाप भी किया तो ये 6 इंच बड़ा मुश्किल से चढ़ रहा है। उसके बाद मैंने जय साहब से अभी फ़ोन किया और जय साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर आप कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि इसको 1-1 मीटर ना भी, अगर ये 2-2 फुट भी आए, 2.5 फुट भी आए, तो हम इसका भी शुक्रिया करेंगे, क्योंकि 6 इंच में तो ये टिक नहीं पाएगा पुल। लिहाजा इस पर गौर की जाए, देखा जाए और इसको पुल, 6 इंच तो यहाँ है ही नहीं, मकसद ही नहीं है कुछ, ये तो कल भी गिर सकेगा, आज चढ़ाएंगे कल ही गिर जाएगा अपने वेट से, इसका लोहा का वेट जो है ये सबसे भारी होता है। लोग कैसे करेंगे? तो लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है चलना, ऐसे भी हमें लकड़ी का पुल जो है वो अभी गिर गया है, अब समझो इसका है ही नहीं है पार से, अभी कितनी थोड़ी सी बारिश हुई तो अभी मैं पार देख रहा था, वहाँ से थोड़ा जो है डैमेज हो गया है जी। आप बताइए हमें, क्या आप तो रोज़ाना इस पुल से गुजरते हैं इधर उधर शाम को सुबह, क्या आपको क्या महसूस होता है, डर लगता है इस पुल को? बहुत डर लगता है हमें, आप तो सोचे अभी गिर सकता है पार निशा से, देखे अभी देख सकते हैं आप किस तरह से ये पुल जो है ख़त्म हो गया, ये देखो। तो अभी भी सरकार को ये इस जगह पे कोई भी ध्यान नहीं है, इस यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पुल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं, तो लिहाजा क्योंकि यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे तो बर्फ़ ही 5-6 फुट पड़ती है, तो इसने तो अपना ही वजन नहीं संभाल पाएगा, फिर यहाँ पर सुबह बर्फ़ पड़ी तो यहाँ ये तो नामुमकिन है, इन लोग
उनका कहना है ये कि ये काम बंद होना चाहिए या तो इस पर कुछ ना कुछ तहकीकात होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा कैमरामैन के साथ मैं मुजफ्फर सिंह को दीजिए इजाज़त।